फाइनली पेरिस को बाय बाय। और चार पहियों वाले बैग का ये फ़ायदा होता है कि यूरोप में क्योंकि पेव्ड सर्फेसेस होते हैं और पदयात्रियों के लिए अलग से जगह बनी होती है, साइकिल ट्रैक्स होते हैं, तो उनको बड़ी आराम से घसीट के लंबे लंबे सफ़र तय किए जा सकते हैं। मेट्रो स्टेशन तक जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और ब्रसल्स के लिए निकलने से पहले फटाफट मैंने अपने बैग हॉस्टल में डाले हैं। बट जा रहा हूँ मैं देसी खाना लेने के लिए, क्योंकि जो है सामान ये वाला ब्रसल्स में तो मिलेगा नहीं, वहाँ पे तो देसी खाना बहुत महंगा है, तो यहीं से पैक करा के लेके जा रहा हूँ। आज के डिनर की तैयारी भी हो जाएगी और हो सकता है कल के नाश्ते की भी। खाना पैक, off to Brussels. Alright guys, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे पेरिस से बेल्जियम की कैपिटल ब्रसल्स जाना था। तो बस स्टॉप जाने के लिए मैंने अपने हॉस्टल के पास वाले मेट्रो स्टेशन से पहले तो मेट्रो पकड़ी। अपनी यूरोप की इंटरनल टिकट्स मैं बुक कराता हूँ GoEuro.com से, जो अब Ominio.com हो गई है, और इस पर यूरोप की किन्हीं भी दो सिटीज के बीच की ट्रेन और बसेस के प्राइसेस का अच्छा कंपैरिजन मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, पेरिस से ब्रसल्स तक की सबसे सस्ती ट्रेन टिकट तो 55 यूरो की है, बट बस 4 गुना सस्ती, सिर्फ 13 यूरो की। और इस सफर के लिए पॉपुलर बस लाइन है यूरोलाइंस बस, और ट्रेन में थालिस की बुलेट ट्रेन। बसेस काफी फ्रीक्वेंटली चलती हैं और आप किस टाइम की लेते हैं उस पर डिपेंड करता है आपके टिकट का प्राइस। और ये बसेस मिलती हैं पेरिस के गैलियनी बस एंड ट्रेन स्टेशन से, जहां मैं अपने हॉस्टल से मेट्रो लेके जा रहा था। आखिरी स्टेशन है, तो ज़्यादातर लोग उतर चुके हैं। यहाँ पे ट्रेन ख़त्म हो जाएगी, इधर से बस लेनी है। यहाँ से यूरोलाइंस करके कंपनी है जिसकी बस चलती है, बस अब वो बस पकड़ेंगे। बस स्टेशन आते ही यूरोलाइंस का बोर्ड दिख जाता है और मैं गया सीधा इंक्वायरी काउंटर पर, क्योंकि टिकट तो मैं ऑनलाइन बुक करा ही चुका था। कह रहे हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 2A पे मिलेगी बस। बस फिर मैंने सामान लादा और सीट पकड़ी। बस अदरवाइज काफी एवरेज थी। और फाइनली आके बस में तो मैं बैठ गया हूँ और यहाँ सब 4 घंटे का सफ़र है। बस काफ़ी कंफर्टेबल लग रही है, पावर सॉकेट्स हैं, फ्री वाईफाई है, सामान सेट कर दिया, लगेज डल गई है और बस अब हेडफोन लगाने हैं, गाने सुनने हैं, आंखें बंद करनी है, खाना खा के और सोना है। और मैंने एक छोटा सा रिस्क ये लिया कि मैंने डिसेबल्ड वाली सीट पकड़ ली है, इसमें लेग रूम एक्स्ट्रा होता है, कोई आ गया तो मुझे उठना पड़ेगा। फाइनली चल पड़ी है, सेफ्टी अनाउंसमेंट हो गया, बेल्ट पहननी पड़ेगी, नहीं पहन तो शायद यहाँ पे चलाना है, पक्का नहीं पता। और फिर बस निकलते ही मैंने वो काम किया जो हर देसी सफर शुरू होते ही करता है। समोसा चाट है पूरी प्रॉपर, बड़ी 2 यूरो में। मजा आ गया, बहुत बढ़िया। फाइनली ब्रसल्स पहुंच गए हैं, अनाउंसमेंट हो गई है, 3.5-4 घंटे का सफ़र कट गया है। और अब गाड़ी में सामान उतारना है और फिगर आउट करना है कि हॉस्टल तक पहुंचना कैसे है, क्योंकि ये सेंट्रल स्टेशन तो उतार नहीं रही, कहीं नॉर्थ में उतार रही है। और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, 11:30 बज गए। बस रुकते ही सबसे पहले मैंने अपना बैग निकाला और फाइनली ब्रसल्स तो पहुंच गया हूं मैं, बट ये ब्रसल्स में कहीं नॉर्थ में बस ने उतार दिया और वाईफाई यहाँ पे मिल नहीं रहा। अभी फिगर आउट करता हूँ कि हॉस्टल तक पहुँचना कैसे है। हॉस्टल तो मेरा सेंटर में है, बट यहाँ से ज़्यादा दूर तो नहीं है और थोड़ी थोड़ी अब बारिश भी हो रही है, कहीं ज़्यादा ही ना हो जाए, दिक्कत हो जाएगी। बस फिर मैं सामने यूरोलाइंस के ऑफिस चला गया क्योंकि वहाँ पे वाईफाई मिल जाता है और वाईफाई कनेक्ट करके पता लगा कि 20-22 मिनट दूर है जहाँ मैंने जाना है और वहाँ जाने के लिए बस मिलेगी। यहीं पे नीचे एक बस स्टॉप है, एक बहुत बड़ा बिल्डिंग का ऑफिस कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे सारे कॉर्पोरेट ऑफिस है और वहाँ पे बस मिलेगी, उधर से बस लेके जाना है। फाइनली भागते भागते बस पकड़ लिया है 128 नंबर और ये लेके जाएगी सीधा हॉस्टल के सामने। टोटल वॉक है तकरीबन 17 मिनट की, 5-7 मिनट में पहुंच जाऊंगा हॉस्टल से तकरीबन 4 मिनट दूर जहाँ से फिर चल के जाना है। सिंगल जर्नी टिकट अराउंड 3 यूरो की मिलती है, बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक ये ड्रॉबैक होता है कि आपको आपके हॉस्टल या होटल के गेट तक तो उतारेगी नहीं। उस केस में जो 4 पहियों वाले बैग होते हैं ये बहुत काम आते हैं। अब जैसे ये है, अब इसको घसीटने में कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा जो है घसीट के ले जाओ। और दूसरी बात कि इसकी प्लास्टिक की आउटर बॉडी है, कपड़े वाली नहीं है। कपड़े वाली में ही होता है कि अगर आपने सामान बहुत ठूस लिया हो तो वो नीचे से दब जाता है और वो पहियों के बीच में छूना शुरू कर देता है नीचे फर्श पे, तो वो फिर घसीटने में दिक्कत आती है। और फाइनली 4 घंटे की बस के बाद और तकरीबन 4-5 मिनट की वॉक के बाद मैं पहुँच गया हूँ मिनिंगर होटल एंड हॉस्टल ऑल्सो। इनके बहुत सारे रूम हैं जो ये 6 बेड डॉम की तरह सेल करते हैं। अभी दिखाता हूँ अंदर जाके, बट अभी तो हो सकता है इस टाइम लोग हों अंदर, खाली हुआ तो, नहीं तो कल सुबह। तो ये मेरा बेड है जहाँ पे सारा एडिटिंग का सामान बिखरा हुआ है क्योंकि मैं सुबह से एडिटिंग कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग एंड एवरीथिंग। ये पड़ा है स्टेबलाइजर, सब कुछ चार्ज हो रहा है USB हब पे, फिलहाल निकाल रखा है, सारा सामान बिखरा हुआ है, एडिटिंग चल रही है। और साथ वाले बेड पे ये है Erica. Hi. Erica, where are you from? I'm from Mexico. Mexico City? Mexico City, yes. What do you love most about Mexico City? I've been to your city, you know, like I spent 7 days in Mexico City, it was amazing. Good, you had to try the tequila. Oh, we have the best tequila in the world. Obviously. खैर, मैं निकल गया डिनर करने हॉस्टल के कॉमन एरिया में जहाँ पे प्रॉपर फुल किचन तो थी ही। और किचन तो यहाँ पे फुल फुल है ही, बिरयानी गर्म हो रही है और बिरयानी आज खाएंगे यहाँ पे बार ओपन सेटिंग एरिया में। वैसे यहाँ पे हर टाइम बहुत भीड़ होती है बट इस टाइम ये खाली है क्योंकि रात का 1 बज गया है। And which place would you say is the best? The best is in the center. The name is Bellas Artes, and close from Bellas Artes, it's a big place that you can listen and mariachi music, the most traditional music in Mexico. Oh yes. और बर्तन वैसे तो धुले होते हैं, एक बार फिर भी साफ खुद भी कर लेने चाहिए। बस फिर गरम बिरयानी प्लेट में डाली। Okay, so tell me what was the best thing that you liked here in Brussels? Oh well, I think the Grand Place. The Grand Place? The huge. It's amazing. It's incredible. And where are you going next? Next, I think. No. Where are you going next? Paris. Paris. I'm going to Paris. Yes. Wow. और इसी के साथ समाप्ति इस वीडियो और देसी खाने की, क्योंकि अगले दिन से आपको दिखाना है बेल्जियम और इसके सारे बड़े शहर। ट्राई करते हुए बेल्जियन वॉफल्स और चक्कर लगाते हुए टूरिस्टी गलियों में और कुछ खतरनाक गलियों में। और यहाँ पे बहुत सारे वेट किस्म के लौंडे, अजीब अजीब अंकल और गाड़ियों में चक्कर गेड़ियाँ लगाते हुए छड़े दिखते हैं। यहाँ पे इस टाइम पे लेडीज़ के साथ तो बिल्कुल ही आना चाहिए। और वो जगह जहाँ लेडीज़ बहुत सेफली एंजॉय कर सकती हैं उन बार्स में जहाँ 14% अल्कोहल वाली बेल्जियन बियर पानी की तरह बहाई जाती है। और बोट राइड मेस्मराइजिंग गेंट की तो गाइज चलिए मेरे साथ ऑन्टवर्पन के स्क्वायर्स में। और ये जो मूर्ति मेरे पीछे है ये बताती है कि शहर का नाम ऑन्टवर्पन क्यों रखा गया। बेसिकली इसमें एक देवता बना हुआ है, आई गेस देवता ही है या फिर पता नहीं कोई डाइटी है, भगवान जाने डेमी गॉड है। वो बंदा उड़ा के जो है एक कटा हुआ एक राक्षस का हाथ जो है फेंक रहा है पानी के अंदर। ऑन्ट यानी कि हाथ, वर्पन यानी कि उसको फेंकना पानी में। एक दैत्य को मार के उसके हाथ को पानी में फेंक के उसको निष्क्रिय किया गया था यहाँ पे, उसमें शहर का नाम पड़ा है ऑन्टवर्पन। इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी। जहाँ मारेंगे थोड़े गप्पे और फिर एंड में इंसानी समझ के पार लगने वाले अद्भुत ब्रूज में। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा और बेल्जियम की इस जर्नी का पार्ट बनने के लिए और इसके टाइमली अपडेट्स के लिए डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन।